मंडी में व्यापारियों द्वारा डाक न लगाने से नाराज किसानों ने एनएच पर लगाया जाम। व्यापारियों व तुलावटियों के विवाद के चलते कृषि मंडी बना अखाड़ा। हरपालपुर कृषि मंडी में उपज बेचने आए किसानों ने व्यापारियों द्वारा डाक बोली न लगाने अचानक हड़ताल पर जाने पर किसानों ने एनएच पर रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक्टर ट्राली लगाकर रास्ता जाम कर दिया। आक्रोशित किसानों का आरोप था कि व्यापारियों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है, बिना किसी सूचना पर मंडी में डाक नहीं लगा रहे हैं। व्यापारियों द्वारा डाक बोली में भी मनमानी की जा रही है, जो मंडी सचिव के बार बार बुलाने के बाद भी मंडी डाक बोलने से इनकार कर दिया है। इससे उपज लेकर आने वाले सैकड़ों किसानों को दिन भर भीषण गर्मी परेशान होना पड़ता है। जाम के दौरान बजे झांसी मिर्जापुर हाईवे पर करीब एक आधे घंटे तक वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तहसीलदार सुनीता साहनी और टीआई धर्मेंद्र सिंह ने किसानों को समझाया, इसके बाद किसान माने और जाम खुल सका। जानकारी के अनुसार सोमवार को मंडी में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में मटर चना गेहूं सरसों लेकर बेचने पहुंचे थे। मंडी में व्यापारियों द्वारा उनके माल की बोली लगाने से इनकार कर दिया। इस दौरान व्यापारियों द्वारा मंडी सचिव सुरेंद्र खरे के बुलाने के बाद भी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर मंडी से चले गए। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों एवं तुलावटियों में प्रति क्विंटल उपज के पैसे निर्धारण को लेकर आपसी विवाद चल रहा है। तुलावटियों की मांग है कि उनको 2 रुपया प्रति क्विंटल के दर से व्यापारियों द्वारा भुगतान किया जाए, लेकिन कृषि उपज मंडी के व्यापारियों द्वारा इस पर आपत्ति करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। अभी तुलावटियों को 40 पैसे प्रति क्विंटल की दर कृषि उपज मंडी के व्यापारियों द्वारा भुगतान किया जाता है। मामले में व्यापारियों द्वारा मंडी समिति में सचिव आवेदन देकर इनके रुपयों न बढ़ाने की सूचना देते मांग की थी, जिस चलते आज व्यापारियों द्वारा मंडी में डाक नीलामी का बहिष्कार कर दिया, मंडी में बिना डाक बोले चले गए। इस बात को लेकर किसान व मंडी प्रशासन आमने सामने आ गए। व्यापारियों ने डाक बोली न बोतने से दोपहर 3 बजे तक डाक न लग पाने के कारण किसान आक्रोशित हो गए और उन्होंने रेलवे क्रॉसिंग पर एनएच पर जाम लगा दिया। किसानों का आरोप था कि व्यापारियों एवं तुलावटियों के बीच विवाद में उनकी परेशान किया जा रहा है। वही किसानों ने आरोप लगाया व्यापारियों द्वारा जानबूझकर डाक बोलने में देर की जाती है, जिस शाम ढलते ही किसान उन्हें औने पौने दाम में माल बेच कर जाए। दिन भर किसान को मंडी में परेशान किया जाता है और मंडी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। तहसीलदार व टीआई ने किसानों को समझाया। जाम लगाए बैठे किसानों के बीच पहुंचकर तहसीलदार सुनीता साहनी और टीआई धर्मेंद्र सिंह द्वारा उनसे बातचीत की गई। किसानों की समस्या को लेकर तहसीलदार ने व्यापारियों को मंडी में बुलाकर तत्काल अपने सामने मंडी में किसानों के उपज की नीलामी शुरू करवाई। साहनी ने बताया कि उन्होंने व्यापारियों से मंडी समय में आने वाले किसानों की डाक बोली नियमित लगाने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि व्यापारियों तुलावटियों जो विवाद उस बैठकर सुझाने का प्रयास करते हैं, मंगलवार के दिन मंडी सचिव को बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया है। साथ मंडी भारसाधक अधिकारी तहसीलदार सुनीता साहनी ने कहा कि व्यापारियों द्वारा बिना किसी सूचना के डाक न बोलने के चलते ऐसे व्यापारियों के विरोधी नियमानुसार लाइसेंस निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी। किसानों को मंडी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो व्यापारियों एवं तुलावटियों के विवाद के चलते किसानों की उपज की डाक बोली बंद कर थी, वो नियमानुसार गलत हैं। यदि पूर्व सूचना के ऐसा किया तो कार्यवाही होगी। वही मंडी सचिव सुरेंद्र खरे से कहा कि मंडी में समय से किसानों की फसल की डाक होगी, इस बीच सिर्फ लंच टाइम 1 घंटे के लिए डाक बोली बंद रहेगी। अधिकारियों की समझाइश के बाद किसान माने और जाम खोला गया। इस बीच कई किसान कम भाव के कारण उपज वापस लौटा कर ले गए। कुलदीप वर्मा, बुंदेली न्यूज। अरे हमारी बात सुनो, इधर लेटर दिखाना। व्यापारियों को हमने ये लिख दिया है, उपरोक्त संदर्भ के विषय में लिखे कि आज दिनांक 2/5/2022 को संदर्भित आवेदन का प्रत्युत्तर मंडी समिति कार्यालय में आप समस्त व्यापारियों की उपस्थिति में दिया गया, परंतु आपके द्वारा प्रत्युत्तर लेने से इनकार किया गया और आप लोग कार्यालय छोड़कर चले गए। तत्पश्चात प्रत्युत्तर की प्रति मंडी हरपालपुर के व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाली गई, फिर भी आप लोग डाक नीलामी कार्य में उपस्थित नहीं हुए, जिससे डाक व्यवस्था प्रभावित हो रही है एवं उसके द्वारा हंगामा किया जा रहा है।
जिससे मंडी प्रांगण में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। अतः आप समस्त व्यापारियों को आदेशित किया जाता है कि आप तत्काल डाक नीलामी हेतु उपस्थित हो, अन्यथा की स्थिति में आप समस्त के विरुद्ध मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी, जिसके हानि लाभ की समस्त जवाबदारी आपकी होगी। चुप करो। धीरे धीरे उसमें जुलाई महीने से भी मना करने लगी, इनकी तरफ से भी शिकायत सुनवाई हुई, तो भी लिया अपन ने, उनको नोटिस भी दिए 2-3-4, फिर उन्होंने उधर कोर्ट की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। उसने व्यापारी व्यापारी है और ये आवाही लोगों के झगड़े में किसान क्यों परेशान, पूरा किसान 6 बजे से समझ रहे हैं, रात के बैठे हैं, गलती का है घर में, बताओ का। अरे तो ये तुम्हारी और तुम लोगों की और व्यापारियों के बीच में किसान को ना तुम लोग समझने को तैयार हो ना। काय के विरोध में ये आंदोलन हो रहा है किसानों का, क्या परेशानी है किसानों? मंडी में डाक नहीं हो रही हरपालपुर मध्य प्रदेश में। व्यापारी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण? व्यापारी आने व्यापारी बोले हड़ताल पे हम लोग, तो किसान यहाँ से कल से लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, किसी घर कुछ है, किसी घर कुछ काम चल रहा है। मंडी सदस्य से बात हुई क्या आप लोग? सदस्य से बात हुई, बोले कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, कर नहीं रहे कुछ भी नहीं। कितने दिन से आप मंडी में हो? मंडी में आ रहे हैं हम 2-3 दिन से लगातार आ रहे हैं, लेकिन डाक नहीं हो रही। डाक नहीं हो रही। ऐसे कितने किसान होंगे लगभग? ये लगभग 1 महीने से चल रहा है ऐसे ही प्रोग्राम। क्या कारण है कि व्यापारी डाक नहीं लगा रहे हैं? व्यापारी जो है ढंग से माल नहीं ले रहे हैं किसानों का। और व्यापारियों को आरोप था कि बदन कस के पीछे कुछ रेट रेट के वगैरह उस चक्कर में, रेट के वगैरह में भी चक्कर में है, और जो है किसानों का आज डाक नहीं हुआ है इसलिए। आप किस गाँव से? हम खेरो कला यूपी से। हम डायबिटीज के पेशेंट हैं, हम कल से बिना दवा दारू के अपने पेट पर लगाए मच्छरों में यहाँ भूखे प्यासे, हमने कल से अन्न का दाना नहीं खाया है, न हमारी जेब में 5 का नोट है कि हम पानी पी लें या कुछ खा लें, ठीक है, और न हमारा गेहूँ बिका है, कल से न कोई सुनवाई हो रही है, हम यहीं आत्महत्या करके जाएंगे, नहीं तो अपने पेट पर हमारा जो है वो खरीद होनी चाहिए कायदे से, और जो खर्चा लगता है वही हम खर्चा लेंगे, ये नहीं कि व्यापारियों की मनमानी से हम पैसा लेंगे, जो लगता है काय का हम वही ले सकते हैं। अच्छा, क्या गद्दी अद्दी पे कुछ ले जाते हैं? वो हमने सुना है कि उनकी मांग है कि नहीं हमें अपना पैसा चाहिए, तब हम खरीद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आत्महत्या करने अभी 5 मिनट लगेगा, फिर जो हमारे घर का सदस्य होगा वो हमको ले जाएगा या हमें यहीं मर जाएंगे, बस मानना नहीं है। यहाँ बिका 2000 में यहाँ बेचे तो टाइम लगता है। क्या है ना कि आपका ये बोली लगती है ना डेली के मार्केट में जो रहता है मेरा, अभी करेंगे आप पहले डाक करवाइए, हम अभी यहीं पे जाएंगे नहीं जब तक आपकी और इनकी बात नहीं सुनी। आप पहले किसानों के बीच में आए हैं ना, अपन व्यापारी हैं, किसान का भला चाहते हैं, अपन किसान का ही भला चाहते हैं, जिनसे आप खरीद रहे हैं उसी से आपकी रोजी रोटी चलती है, और वो आपको बेचते हैं तो उनकी रोजी रोटी चलती है, और आप उनसे खरीदते हैं फिर आप बेचते हैं फिर आपकी रोजी रोटी चलती है। ये लोग सुबह से बैठे हैं, अभी आपस की लड़ाई में इनको मत परेशान करो, अभी डाक कीजिए फिर बात। मंडी में हंगामा किया गया और जाम लगाया गया, क्या कहना चाहती मैम आप? ये किसानों द्वारा ये जाम लगाया गया था, अभी कुछ दिनों से हमारे व्यापारी और जो हमारे वजन कश बंधु हैं उनके मध्य थोड़ा विवाद चल रहा है। अब चूंकि विवाद का निराकरण हो गया था, उसके बावजूद भी दोनों ही पक्ष अपने अपने मांगों को लेकर अड़े हैं, तो अब उसके लिए चूंकि जो समिति है उसमें कोरम मेंटेन होना ज़रूरी है, अब कोरम मेंटेन करने के लिए हमें 1-2 दिन का समय चाहिए रहेगा, कोरम मेंटेन होने के बाद बैठक होगी, उसके बाद निर्धारण की जो प्रक्रिया है उसको कर ली जाएगी। अब व्यापारियों के और उन वनकश के जो विवाद है अब उससे किसान बंधुओं को समझाया गया है, और अभी डाक जो है चालू करवाई गई है, और उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग इसका निराकरण 1 सप्ताह के अंदर अंदर कर लेंगे।